करते हैं। डू योर सेल्फ में 5 क्वेश्चन थे, डू योर सेल्फ में 5 क्वेश्चन थे। किसी को कोई डाउट है उन 5 क्वेश्चन में? नहीं है सर। डू योर सेल्फ में 5 क्वेश्चन थे, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रेस टू के, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने सेकंड थर्ड। रेस टू के 2 क्वेश्चन दिए थे सेकंड थर्ड, जिसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना। यस सर। उनमें कोई डाउट? नो सर। रेस टू के 2 क्वेश्चन दिए थे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना थी, नहीं है कोई डाउट। उसके बाद एक्सरसाइज 1 की, उसके बाद एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन दिए थे। दसवां क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा है? थर्ड और टेंथ दोनों बता देता हूँ। पहले थर्ड बता रहा हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 1 का थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए सभी ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है, द इफ फॉर पॉजिटिव इंटीजर आर इज ग्रेटर देन 1 एंड एन इज ग्रेटर देन 2, कोएफिशिएंट ऑफ द 3r प्लस 2, 3r टर्म एंड r प्लस 2x टर्म, एक कोएफिशिएंट इक्वल है, इसमें 1 प्लस x की पावर 2 है, में कोएफिशिएंट ऑफ 3r प्लस 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ 3r प्लस 2, ये कोएफिशिएंट इक्वल है बेटा, समझ में आया? हाँ बेटा, tr TR टर्म निकालना है तो कैसे लिखोगे? डायरेक्ट 3R थोड़ी देर निकलती है, T3R डायरेक्ट थोड़ी निकलता है, उसको क्या लिखना पड़ेगा? TR माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, यही गलती की होगी सभी। हाँ तो लिखो NCR, N की जगह है 2N, C R की जगह 3R माइनस, हाँ वैसे ही अब R प्लस 2, R प्लस 2 को लिखोगे R प्लस 1 प्लस 1, R प्लस 1, 2N C R, समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन मिस्टेक समझ में आ गई? आपने क्या क्या मिस्टेक? यस सर, यस सर। अब कंसेप्ट होता है ऊपर सेम हो तो नीचे 3R माइनस 1 इक्वल्स टू R प्लस 1, एक केस ये होता है। दूसरा केस 3R माइनस 1 प्लस R प्लस 1 इक्वल टू 2, X इक्वल टू Y और X प्लस Y इक्वल टू X, ये कितना आ गया 2R equals 112, तो R equals to 1, but given है R is greater than 1, इसलिए reject हो जाएगा। question में given है R is greater than 1, 3R 2R equal to 2N, नहीं 4R equal to 2N, तो 2R equal to N, कौन सा option आएगा? option 1, option 1, समझ में आ गया कि सबको? third question, आंसर शीट में थर्ड ऑप्शन दिया है। आंसर शीट में मैं देखता हूँ, थर्ड का ऑप्शन शीट में आंसर थर्ड। हाँ, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या कोई? सर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है सर, वो इसका पावर में ले मैं। वन प्लस एक्स की पावर 2n, देखते हैं n इज ग्रेटर 1 प्लस x की पावर 2n के एक्सपेंशन में 3r प्लस 3, 3r है खत्म, तो वो तो यही आएगा, तो ये तो ले नहीं सकते बेटा, सही है अपना, करेक्शन कर ले। हाँ किसी और को? भारत, ऑप्शन 1 ही आएगा, देखो। यस सर। है ना, ऑप्शन 1 ही आएगा सर, ब्लैकबोर्ड ब्लर हो रहा है सर। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक हुआ क्या? हाँ तो ये थर्ड का आंसर करेक्ट कर लें, ऑप्शन 1 आएगा, भारत 1 ही आ रहा है, देखो एक बार, भारत साक्षात
सर मैंने किया है ना सर, मेरा तो आंसर थर्ड ही ऑप्शन थर्ड ही आ रहा है सर। तो कैलकुलेशन देखें कहां मिस्टेक हो रही है अपनी। हाँ सर मैं चेक करता हूँ मेरी कॉपी में से देख के। कर रहे हैं हम, देखेंगे ध्यान से। टेंथ क्वेश्चन में द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 7, एक्स की पावर 7 का कोफिशियंट कितने, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय बी एक्स होल पावर 11 और कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 7 इसमें ax माइनस 1 बाय bx स्क्वायर की होल पावर है ना, x की पावर 7 का कोफिशिएंट इसमें और ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल है तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालने के लिए वो जनरल टर्म लिखना पड़ेगी, क्या आएगा ncr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर, समझ में आया, 11 cr a to the power 11 minus r upon b to the power x to the power 22 minus 2r minus r minus 3। अब इसमें 22 minus 3r किससे equate करो, x की power 7, 3r equal to 15 तो r आ गया 5। तो coefficient of x to the power 7 r की जगह 5 है, 11 माइनस 5 6 b की पावर r, राइट। अब इसमें x की पावर माइनस 7 तो इसका जनरल टर्म लिखो ncr 11 cr ax टू द पावर n माइनस r 11 cr a टू द पावर 11 माइनस r b टू द पावर r x to the power 11 minus r minus 2 or 11 minus 11 minus 3r equals minus 7, 3r equal to 11, 7, 18, r equal to 6, coefficient of x to the power minus 7, 11 c 6, a ki power 11 minus 6, b ki power 6, minus 1 ki power 6, okay, 11 c 6, a5 upon b6, right? दोनों इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल है, 11 c5 a upon 6, a6 b5, 11 c6 a5 upon b6। हाँ बेटा ध्यान से देखें, 11 c5 और 11 c6 इक्वल होता है, 11 c5 और 11 c6 सेम होता है, कैंसिल हो गया, a की पावर 5 से a, यहां बचा b, है ना, b6 से b5 कैंसिल, b a6 से a into b equal to 1, ऑप्शन 1। यस सर करेक्ट है, ठीक है। हाँ बच्चों सबको समझ में आया क्या कैसे किया? यस सर, यस सर। हाँ अब इतना कैलकुलेट तो करना ही पड़ता है बेटा मेंस का कोई भी क्वेश्चन सही निकालने के लिए। 20 का आंसर मैं देख लेता हूँ राजपाल से, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, पहले ये नोट कर ले सभी, फिर मैं 20 का। बेटा मैं 20 करके बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं बेटा नन ऑफ दीज नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। तनुश्री आपको 8th नहीं आया, मैं 8th बताता हूं। अरे बेटा 10th के पहले बोलना चाहिए था, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन 8th बता रहा, ये कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा मैंने होमवर्क में 30th क्वेश्चन
लिख दिया था गलती से, पर 30 क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, तो 20 तक ही करना थे, लास्ट का क्वेश्चन बाय मिस्टेक 30th लिख गया, ठीक है, तो उसको भूल जाओ। मेरा एक का आंसर करेक्ट नहीं था रहा, कौन से एक का, बाकी सब करेक्ट रहे, यूं क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है ना नोट सभी। हाँ इसके नोट हो जाए तो बता दें, हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन डू योर सेल्फ का क्वेश्चन करने वाले हैं, एक जिसका भी डाउट है डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ में जिसका भी डाउट है वो करने वाले हैं। हो गया क्या? यस सर डन। ओके डू योर सेल्फ का डाउट बताएं बेटा जिन्होंने भी पूछा था। डू योर सेल्फ में जो भी डाउट है बता दें, है ना, किसी का डू योर सेल्फ में से एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया वो बताए कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं करूं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैं, ओके फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म, टर्म लिखा है एंड r माइनस 1th टर्म आर इक्वल, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस x की पावर 16 कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th, इसका कोफिशिएंट 16c2r प्लस 1th टर्म निकाली तो क्या आएगा 16c2r, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट चाहिए ऐसे ही है, r माइनस 1 को क्या लिखोगे r प्लस 2 माइनस 1, तो नहीं r माइनस 2 प्लस 1, r माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा nc r की जगह। क्लियर मैं, क्लियर हुई बात, 2r equal to r minus 2 पहला केस, 2r plus r minus 2 equal to 16, कैलकुलेट कर लो, r equal to minus 2 not possible, 3r equal to 18, 16 or 2 18, r equal to 6, 18 by 3 6, option 3, समझ में आ गया क्या first question? ठीक है ठीक है, बिगिनर बॉक्स वन में भी, सॉरी रेस वन में भी किसी ने कुछ डाउट पूछा था मेरे ख्याल से 8th, 9th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन में से लास्ट क्लास, तो अपना डिस्कस हो नहीं पाया था रेस वन, कोफिशिएंट से रिलेटेड किसी का कोई डाउट था तो बोल सकता है रेस वन का। हम आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, आपने उसके सॉल्यूशन तो भेजे थे पर, हाँ मैंने सॉल्यूशन तो भेज दिए थे तब भी बोला था किसी ने, चलो ठीक है आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, है ना, आज हमने जो जो डिस्कस करने के लिए दिया था सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी पार्ट।
हाँ अभी किसी ने पूछा है कि जो न्यू एडमिशन है उनका लेक्चर होगा नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हमें पढ़ना है बेटा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले तो हम देखें कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। तो देखो आपने हमने ये पढ़ा x प्लस y टू द पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन एन सी जीरो एक्स एन y जीरो है ना, तो y जीरो वन होता है एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई स्क्वायर है ना, इसी तरह से ये चलते जाता है एन सी एन। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब अगर मैं इस x की जगह 1 रख दूं और y की जगह x रख दूं या x प्लस y ऐसा का ऐसे ही रहने हैं, आप तो देखो जो nc0 को हम जस्ट c0 लिख लेते हैं xn प्लस c1 xn माइनस 1 y प्लस c2 xn माइनस 2 y। हम बेटा ये जो C0, C1, C2, Cn या NC0, NC1, NC2, NCn are called binomial coefficient. तो understood होता है कि n है इसलिए उसको C0, where C0, NC0, NC1, NC2, NCn are called binomial coefficient. Binomial. और जो NCR है उसी की जगह सिंपली CR लिखा जाता है। वी कैन रिप्रेजेंट NCR इक्वल टू CR। N है इसलिए अंडरस्टूड है। अगर N 5 होगा तो 5 लिखना पड़ेगा, N है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। ओके हो गया सर, ठीक हो गया? यस सर, ठीक है, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर को हम जस्ट सीआर भी लिख सकते, क्लियर? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट समझ में आया क्या? बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू एनसीएन होते उन्हीं को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और एनसीआर जगह जगह न लिखते हुए उसकी जगह जस्ट क्या लिख देते हैं? सीआर। तो हम क्या बोल सकते हैं? सी जीरो सी वन सी टू सी एन ये सब क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। बात समझ में आ गई? दीज ऑल आर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, राइट? यस सर। अब हमें इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज लिखना। तो देखो ये अपना जो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस y होल पावर n क्या है? c0 xn प्लस c1 xn माइनस 1 y प्लस c2 xn माइनस 2 y स्क्वायर प्लस cn y, राइट? इसमें अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू 1 पुट करूं, x को भी 1 पुट कर दिया y को भी 1, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2 टू दी पावर, है ना? x को भी 1 पुट कर दिया y को भी 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 1 2 टू दी पावर है, कितना आ जाएगा? x की जगह 1, ये पूरा 1, ये भी 1, लास्ट टर्म में भी y 1। समझ में आया क्या? सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर,
है ना। अब वो सी जीरो का मतलब क्या अंडरस्टूड है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन अप टू एन सी एन इक्वल्स टू 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 द पावर। ठीक है बेटा, नोट करेंगे ये आई है अपनी प्रॉपर्टी, इसको मैं फिर से लिखूंगा ऊपर। नोट कर लें, हो गया। ठीक है बेटा, सभी का हो गया सर अभी। हाँ ठीक है, नोट करो। हो गया सर, हो गया ठीक है बच्चों। अभी सही है सर। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू सी एन इक्वल्स टू 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 दी पावर एन। समझ में आई क्या बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस एंड सो ऑन अप टू सी एन इज इक्वल्स टू 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 दी पावर है। कैसे आई है ये प्रॉपर्टी, जो एक्स और वाई थे उनको वन रख दिया। अब ये है क्या सी जीरो सी वन सी टू सी एन है क्या कोएफिशिएंट और उनका क्या सम। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट जब भी निकालना हो किसी भी एक्सप्रेशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना हो ज्यादा नहीं सोचना है, एक्स जो उसमें जितने भी वेरिएबल हो उनको वन रख वन रखने से, क्योंकि वन रखने से इस एक्सपेंशन में क्या आ गया इसमें जितने कोफिशियंट थे सबका सम आ गया, सम ऑफ कोफिशियंट आ गया। जैसे ये सम ऑफ कोफिशियंट है क्या है बेटा, ये एक्सप्रेशन सम ऑफ कोफिशियंट, सम ऑफ कोफिशियंट ही है वो क्या हो जाता, कैसे आता है वो वेरिएबल को क्या रखने पर वन। Find the sum of coefficients in the expansion of sum of find the sum of coefficients in the expansion of 3x square minus 3x plus 1 whole power 2 1 4 5 right। क्या करना है, एक ही वेरिएबल है x उसको क्या रख दो वन। रीजन समझ में आया कि क्यों रख रहे हैं वन, वन रखने से कोफिशियंट का सम आ जाए, रख दो 3 minus 3
थ्री माइनस थ्री कैंसिल वन, समझ में आ गया क्या सभी को? तो इम्पोर्टेंट ये है जब क्वेश्चन आएगा तो ये क्लिक होना कि भाई कोफिशियंट्स को कोफिशियंट्स का सम फाइंड करने के लिए वेरिएबल को वन रखना, कहां से आया ये बाइनोमियल कंसेप्ट, बात समझ में आ गई क्या बेटा फर्स्ट? अब इसमें क्लियर ये क्वेश्चन हो गया, सभी को ने नोट कर लिया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लिखना चाह रहे हैं, ये जो सी जीरो क्या है, व्हाट इज सी जीरो? सी जीरो का मतलब एन सी जीरो, और एन सी जीरो का मतलब फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल एन क्या है वन, ये क्या है वन, ठीक है। तो इसको उधर शिफ्ट कर, ये सी जीरो से स्टार्ट हुआ सी वन सी टू सी थ्री सी एन, सी वन सी टू सी थ्री सी एन, ये क्या है सी जीरो की वैल्यू क्या, वन, वन को उधर से टू रेस टू एन माइनस सेकेंड जीरो वाली टर्म इंक्लूड नहीं हुई तो उसको मन गाल, ठीक है हाँ, उसको जो ये वाली टर्म इधर इंक्लूड नहीं हुई वन को, तो सी जीरो उसकी वैल्यू वन होती उधर से। ठीक है बच्चों, ओके सर, जीरो वाली टर्म इंक्लूड नहीं हुई इस वजह से माइनस लगाया। अरे भाई जो जीरो वाली जो टर्म थी सी जीरो उसकी वैल्यू क्या आई वन, तो यहाँ वन रख दिया और वन को उधर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट सी जीरो सी टू सी फोर, सी जीरो सी टू सी फोर ये इक्वल होता है सी वन सी थ्री सी फाइव, या इसके पहले एक और देखो, इसके पहले ये वाला है ना सी जीरो माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री प्लस माइनस वन टू दी पावर एन सी एन इक्वल, ये वाली ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, ये अभी एक्सपेंशन सबको मालूम है सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री सी एन, ठीक है, पुटिंग एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू माइनस, x की जगह 1 रखा और y की जगह माइनस 1 रखा तो कितना आ गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस c 0, x की जगह तो 1 है y की जगह माइनस 1 तो वो माइनस 1 इधर है, ये y स्क्वायर है इसलिए प्लस ही रहेगा माइनस c, y माइनस 1 माइनस 1 की पावर n c, समझ में आई क्या बेटा? प्रूफ समझ में आया, ये c 0 माइनस c 1 प्लस c 2 माइनस c 3 प्लस n so on रिजल्ट आएगा सी। ये समझ में आया कि कैसे आया? यस सर, है ना, प्रूफ भी लिखा है। अब सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर इक्वल्स टू सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव इज इक्वल्स टू 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 द रेज एन माइनस, पावर में ही माइनस, हाँ ये कैसे आई है? इससे आई है, सी जीरो प्लस प्लस वाली यहां रख लो, सी टू अगली प्लस में थी सी फोर माइनस माइनस वाली को उधर शिफ्ट कर दो, ये बात समझ में आ गई?
इससे ही निकाला, तो ये पार्ट इक्वल हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये कैसे आया ये? तो ये मन से मान लो x, मान क्या मान लिया इसको, x मान, तो हम C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या आया था, ये 2 की पावर n, इसको अलग कर ले, C0 प्लस C2 प्लस C4 C1 प्लस C3 प्लस C5 राइट, इसको भी x माना है, इसको भी x माना, x प्लस x 2 की पावर n कितना हो गया, 2 की पावर x इक्वल टू 2 है, x कितना आ गया 2 की पावर n अपॉन 2, लॉ ऑफ इंडाइजेंस 2 की पावर n माइनस, यस सर आ गया, समझ में आ पाया क्या? यस सर। यस सर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये पढ़ी हमने, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन 2 टू द पावर n, तो उसमें से 0-4 वाली टर्म अलग की, 1-5 वाली अलग की, और वो ऊपर प्रूव कर लिया दोनों इक्वल होती है, तो x माना, तो x और x मिलके 2x इक्वल टू 2 की पावर n, तो x निकाल लिया 2 की पावर n अपॉन 2 टू 2 की पावर n माइनस 1, तो दोनों सीरीज इवन, इवन नीचे जो इवन सबस्क्रिप्ट है और ऑड सबस्क्रिप्ट वाले कोफिशिएंट का सम क्या आता है, 2 raised to n-1। समझ में आया है? ठीक है, यस सर। हो गया, अब है बेटा प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल मतलब दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सम, जैसे C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 ऐसा, ठीक है, ये भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो देखो वन प्लस एक्स की पावर है, आता है सबको C0 एक्स टू दी पावर है प्लस C1 है ना, बट वाइल यही नहीं, वाइल यही नहीं, तो x की पावर n 1 की पावर n, हाँ इसमें कोई डाउट कैसे लिखा है, 1 प्लस x की पावर n एक्सपेंशन करो nc0 x x मतलब 1 की पावर n y टू दी पावर 0 y की पावर 0 फिर x, समझ में आ रहा बेटा? यस सर। समझ में आया क्या कैसे लिखा, बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, एक्स की जगह 1 हो गया और वाई की जगह एक्स हो गया। अब सुनो, अगर हम एक्स को 1/x से रिप्लेस करो, रिप्लेसिंग x by 1/x, अब x की जगह 1/x कर दो, x की जगह 1/x,
ठीक है, तब समझ में आया x की जगह क्या कर दिया बेटा, 1 बाय x, ठीक है। अब x की जगह 1 बाय x किया तो क्या हो गया, एलसीएम लिया x प्लस 1 की पावर है अपॉन x की पावर, सी जीरो प्लस सी वन 1 बाय x, सी टू 1 बाय x स्क्वायर प्लस सी एन 1 बाय x, राइट। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर x प्लस 1 की पावर क्या हो गया, सी जीरो एक्स एन प्लस सी वन, x की पावर n अपॉन x, x की पावर n माइनस सी टू x की पावर n माइनस, x की पावर n से x की पावर m का मल्टीप्लाई, समझ में आ गई है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन समझ में आई? यस सर। अब क्या करूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू इक्वेशन का मल्टीप्लाई, वन ईयर ही टू ईयर क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू एक्स प्लस वन की पावर एन, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सी एन एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकेंड इक्वेशन, सी जीरो एक्स एन प्लस सी वन एक्स एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स एन माइनस टू प्लस, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, नोट करो इतना, फिर आगे कर रहे हैं। हो गया, हाँ देखेंगे, वन प्लस एक्स की पावर टू एन, तो फर्स्ट राइट हैंड साइड पहले लिख देता हूं, सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आर लिखें तो सी आर एक्स आर है, आप जो यहां पर सबस्क्रिप्ट एक्स की पावर भी हुई into second equation c0 xn plus c1 xn minus 1 आखिरी में cn है। अब इधर हम लिखना चाहते हैं, जैसे यहां c0 c1 तो cr लिख तो जीरो था तो एन माइनस जीरो एक्स की पावर एन माइनस सी वन तो एक्स की पावर एन माइनस वन तो सी आर एक्स टू दावर एन माइनस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड क्या वन प्लस एक्स की पावर समझ में आया, मन से एक जनरल टर्म दोनों में लिख जनरल ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया था जनरल टर्म लिखी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x to the power r was x
की पावर आर का कॉफिशियंट दोनों साइड कंपेयर किया, एक्स टू दी पावर आर का कॉफिशियंट दोनों साइड कंपेयर किया, ठीक है, एक्स टू दी पावर आर का कॉफिशियंट दोनों साइड, हाँ राइट हैंड साइड में एक्स की पावर आर का कॉफिशियंट बोलो, इसमें एक्सपान जनरल टर्म मालूम है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, वाई टू दी पावर आर, वाई टू दी पावर आर किसका कॉफिशियंट चाहिए, आर का, तो ये वाई की जगह एक्स है, क्या आ जाएगा टू एन सी आर, ये समझ में आया क्या, एक्स की पावर आर का कॉफिशियंट समझ में आया, इसमें वन प्लस एक्स की होल पावर टू एन में एक्स की पावर आर का कॉफिशियंट टू एन सी आर, ये समझ में आया कि सबको कैसे किया, इसको एक्सपांड करो आप, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में और निकालना, काय का कॉफिशियंट निकालना, एक्स टू दी पावर आर का, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो एक्स की पावर आर मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई, और इधर इधर कब मिलेगा आर, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट सी, तो क्या आ रहा है अब सी जीरो, इसका मल्टीप्लाई किसमें करोगे तो एक्स की पावर आर मिलेगा, सी जीरो का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, इस सी जीरो, इसमें जब x की पावर r की टर्म आई, x की पावर r की टर्म कब आई, x की पावर r कब आएगा, एन सी एन माइनस आर, ये वन ये एन माइनस वन, ये एन माइनस आर, तो इसमें एन में से एन माइनस तो एन से एन कैंसिल हो गया आर, समझ में आया क्या बेटा, यस सर, और एन सी आर एक्स की पावर, ठीक है, तो सी जीरो इन दोनों का मल्टीप्लाई, सी जीरो सी एन माइनस आर, ठीक है, तो कंपेयर कर दो, तो मैं रिजल्ट लिख देता हूं, सी जीरो सी एन माइनस आर, फिर अगला क्या आ जाएगा, सी वन सी एन माइनस आर प्लस वन, है ना, इस तरीके से चलते जाएगा, लास्ट वाला कौन सा आर, सी आर सी एन, ठीक है, या तो मैं इसको हटा ही देता हूं, लास्ट लाइन लिख देता हूं, सी जीरो सी आर, फिर इधर एक बढ़ाते हैं सी वन, और इधर एक कम करते हैं सी आर माइनस, सी टू सी आर माइनस, है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें सम हमेशा आर रहे, सम हमेशा आर रहेगा, क्या इस आर प्लस जीरो, आर आर माइनस वन प्लस वन, आर R माइनस टू प्लस, तो सी आर सी एन माइनस, और इधर क्या आ गया था टू एन सी, और यहां R की जगह आप तो N माइनस आर, और आसान इसका मल्टीप्लाई इसमें सी जीरो एन सी आर, सी जीरो सी आर, समझ में आ गया, सी जीरो सी आर, फिर सी वन इसके जस्ट पहले आ जाएगा सी आर,
C2 जस्ट पहले से, और इधर क्या आ जाएगा n माइनस r का कोफिशिएंट भी यही आएगा और r का कोफिशिएंट भी यही आएगा, एक ही बात। ये बात समझ में आई क्या बेटा? देखो जरा बोलो तो फिर से एक्सप्लेन करूं। यस सर। देखो x की पावर रफ कर दूं, x की पावर n माइनस r का कोफिशिएंट फिर से भी, ठीक है? देखो एक रफ कर दूं, फिर से कर दूं। हाँ क्या आया था? C0 प्लस C1x C2x, ये था ही CnX, ठीक है? दूसरी टर्म क्या थी? C0xn प्लस C1xn माइनस 1 प्लस C2xn माइनस Cn x इक्वल x प्लस 1 या 1 प्लस x की पावर, यही था। अब मैं बोल रहा हूं कि हमें दोनों साइड किसका कोफिशिएंट कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r। जो पहले लिखा था उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। C0 प्लस C1x C2x Cr x की पावर Cn, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, C0xn C1xn माइनस 1 C2xn माइनस 2, चलते जा रहा है Cn xn माइनस r Cr xn माइनस r Cnx, है ना? इसी चीज को फिर लिख दिया। अब कंपेयर कर इसका कोफिशिएंट x की पावर n माइनस r, इसका मल्टीप्लाई C0 Cr प्लस, अब n माइनस r माइनस 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? C1 Cr प्लस, इसके बाद ऐसे चलते जा रहे हैं। और इधर क्या आएगा? n माइनस r का पोजीशन 2nc x की पावर n माइनस r का 2nc x n माइनस, और लास्ट में इधर क्या आएगा, है ना? C0 Cr C1 Cr प्लस, इसमें से ये सबट्रैक्ट किया है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा। सर इंटर करें, किए हैं, देखते हैं, ठीक है? ये समझ में आया। अब इससे हम बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे r की जगह क्या रखा बेटा हमने? 1 रख दिया, पुटिंग r इक्वल टू 1, तो C0 C1 C1 C2 r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, ठीक है? r इक्वल टू 2, r इक्वल्स टू 2 पे C0 C2 C1 C3 r इक्वल टू 2, ठीक है? r इक्वल टू 0, 0 रख लें तो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर इक्वल टू 2nc, r की जगह क्या रख दिया? 0। समझ में आया कि बच्चों? हाँ सर, आप इंटर हुए हैं? नमस्कार सर। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल। हाँ बच्चों, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये जनरल रिजल्ट निकाला, ये भी रिजल्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो
ये तीन रिजल्ट आ गए हैं इस प्रोसेस से। थोड़ा टफ है बेटा, थोड़ा सा टफ है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। लोड कर लें, हो गया, समझ में आया कि सबको ये समझ में आया, हमने ये तीन प्रॉपर्टीज निकालने के लिए किया है। क्या किया, 1 प्लस x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें x को 1 बाय x से रिप्लेस किया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और x की पावर n माइनस r का कोफिशिएंट कम किया। ठीक है यस सर, यस सर, सही बात। ये जो हमने तीन रिजल्ट निकाले, ये रफ करूं इधर, इन तीनों रिजल्ट को, पहला रिजल्ट क्या है, C0, C1, C2, Cn-1, Cn, इधर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगा सकते हैं, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल r, समझ में आया क्या, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल। सेकंड रिजल्ट C0, C2, C1, C3, Cn-2, Cn-2, Cn। ठीक है बेटा, कितना आएगा, फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, एन प्लस टू, फैक्टोरियल एन माइनस। ठीक है, लास्ट रिजल्ट C0² C1² C2² Cn² फैक्टोरियल टू एन, फैक्टोरियल टू एन माइनस एन, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल। समझ में आया बच्चों सभी को, कुछ नहीं, ये कि यही रिजल्ट ये थे, बस क्या कर दिया इसमें, एनसीआर की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। यस सर, ठीक है, ओके सर, मैं बता दूंगा सर। हाँ बच्चों, आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास आज 11:15 पर है, ऐसा सरलेन सर ने बताया अभी अभी, मटोरिया सर, सबने सुना बेटा ध्यान से, केमिस्ट्री की क्लास 11:15 पर होगी। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है सर, सभी को बता दिया है सर, हाँ बच्चों ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई क्या, इसमें क्या किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट, प्रोसेस क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना, तो आज हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पहले तो सबसे पहली पढ़ी NC0 + NC1 + NC2 up to NCn, है ना, तो इन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12C1, 12C2, 12C3 up to 12C, करेंगे। सर 2 to the power 12 - 1, आज कैलकुलेट करके बोलो बेटा, कैलकुलेट करके बताएं, टू जीरो किसका,
पहले का दूसरे का, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर गलत बता रहे हो, फर्स्ट का आंसर इन्होंने अभी बताया, जस्ट गलत बता दिया है। सर प्लीज वेट। अब सही बताएं, बिल्कुल फर्स्ट का आंसर अब सही बताएं, भारत ने सही बताया, राजपाल ने सही बताया, नहीं आपका गलत है बेटा, राजपाल 4096 नहीं आएगा, 4095 आएगा। रिजल्ट याद रखो, अभी अभी जो बताया वो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। एनसी वन, वन से स्टार्ट है, सेकंड का भी गलत बता रहे हो। हाँ तो पहले फर्स्ट की बात करो, देखो एक एक करके बताएगा, जब तक फर्स्ट डिस्कस ना हो सेकंड का रिजल्ट बताने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट का आंसर 4095, 2 टू दी पावर 12 माइनस 1, 2 टू दी पावर 12, 4096 माइनस 1, 409। सबको समझ में आ गया फर्स्ट का आंसर 4095, ठीक है, क्लियर है सभी को, आज ही पढ़ी हमने सीरीज। हाँ सेकंड का आंसर ऑड ऑड है, इवन इवन है, 0 2 4 12, 2 की पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 होता है 2048। समझ में आ गए दोनों? सही है सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखेंगे क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन, इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, if the sum of coefficients in the expansion of alpha x square minus 2x plus 1 to the power 35 is equal to the sum of coefficients in the expansion of x minus alpha y to the power 35, then finding the value of alpha. जीरो नहीं बेटा, पापा नहीं सामने कहीं चला बता रहा, कौन जी ऐसी बता रहा था, साक्षात बिल्कुल सही बताया वन। हाँ इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू, है ना, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट इसमें कैसे आएगा, एक्स इक्वल टू वन रखने, रखो एक्स की जगह वन, sum of coefficient is equal to the sum of coefficients in the expansion of this, कैसे आएगा वो, x को भी 1 रखने से और y को भी 1 रखने से, तो कितना आ गया 1 minus alpha, x की जगह भी 1 रखा और y की जगह भी 1, ठीक है समझ में आया, ये हो गया alpha minus 2 plus 1 minus alpha, ठीक है, अल्फा माइनस वन टू दी पावर 35 इक्वल्स टू, हाँ बेटा यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, तो कॉमन निकाला तो अल्फा माइनस वन हो गया और वो माइनस की पावर 35, ठीक है, इसको इधर लाओ, टू टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस वन 35, है ना, ये इधर आया तो वन प्लस वन टू हो गया, टू से डिवाइड, ये जीरो कब आ सकता है, जब
जीरो की पावर 35 जीरो होता है, अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो अल्फा। समझ में आया कि बच्चों कैसे लाए अल्फा इक्वल टू वन? ठीक है, तो बेटा अभी हमने कुछ सीरीज को मैं एक साथ लिख रहा हूं जो आज हमने पढ़ी है, है ना, सारी सीरीजेस वो याद रखना पड़ेगी, प्रूव कर करके लिखी है, है ना। तो ये हो गया सभी का? यस सर। है ना, तो सारी सीरीजेस एक बार फिर से देख लें, सी जीरो सी वन सी टू सी एन टू टू दी पावर एन। ठीक है, सी जीरो को उधर शिफ्ट कर दिया, सी वन सी टू सी थ्री टू सी एन टू टू दी पावर एन माइनस वन, फिर सी जीरो सी टू सी फोर सी जीरो सी वन सी थ्री सी फाइव टू टू दी पावर एन माइनस, राइट। हाँ बेटा, उसके बाद कौन सी लिखी हमने, सी जीरो सी आर सी वन सी आर प्लस वन सी टू सी आर प्लस प्लस सी एन माइनस आर सी एन, ये लिखी। तो रिजल्ट आया था इसका क्या आया था, फैक्टोरियल एन, ये आया था, देखो यहां टू एन आ गया, फैक्टोरियल टू एन, फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन प्लस आर। ठीक है बेटा, अब इसी में आर की, है ना, ये रिजल्ट प्रूव किया आज, अब इसी में आर की जगह क्या रख दो, वन, आर की जगह वन, क्या आया था, फैक्टोरियल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल एन, आर की जगह टू रख दो, सी जीरो सी टू आर की जगह टू सी वन सी थ्री आर की जगह सी टू सी फोर आर की जगह। राइट, आर की जगह जीरो रख लो, आर की जगह जीरो सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर आर की जगह जीरो, आर की जगह जीरो, ये भी फैक्टोरियल एन, ये भी फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। बात समझ में आई क्या बच्चों? यस सर। है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है ना प्रोसेस का निकालना और याद रखना। इसमें याद कैसे रखें, ये जो r माइनस जीरो, ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखे हैं, इनका डिफरेंस सेम है, r माइनस जीरो r, r प्लस वन माइनस r माइनस वन, ये भी r, r प्लस टू माइनस टू r, n माइनस n से n गए। डिफरेंस ऑफ सफिक्सेस लोअर सफिक्सेस इज सेम, डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्सेस इज सेम। यस सर। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट लेक्चर किसका है वैसे? सर फिजिक्स का, प्रभाकर सर का। सर प्रभाकर सर का है ना, उनको इंटर होने देते हैं। और अभी मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद वो एक रेस के कुछ क्वेश्चंस और मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन आइडेंटिफाई मेंशन कर दूंगा, वो होमवर्क रहेगा, है ना बेटा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में दिक्कत आ रही है, किन किन को समझने में दिक्कत आ रही है,